अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज टीएम फार्म पर एक नई घोड़ी आई है कवरिंग के लिए। रियाज भाई खड़े हुए हैं, सामने दोस्त आए हैं उकाड़ा से। एक तो इनका तारुफ लेंगे, दूसरा घोड़ों की तैयारी के हवाले से रियाज भाई से इंफॉर्मेशन लेंगे कि जो दोस्त कवरिंग के लिए आते हैं उन्हें क्या क्या तैयारी करके आनी चाहिए और क्या तरीका कार है इसका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरी तरफ से सब दोस्तों को सलाम दुआओं के साथ। और ये हमारे मेहमान हैं जी, इनसे हम पूछना चाहेंगे। भाई जान, क्या नाम है आपका? जी प्याज आम। प्याज भाई जी, भाई ये घोड़ी कहाँ से लेके आए हैं आप? जी दीपालपुर जिला उकाड़ा। दीपालपुर जिला उकाड़ा से। अच्छा, ये कड़ी नस्ल है? ये जी अरबी नस्ल है। अरबी नस्ल है। हाँ जी। कितने साल इनकी उम्र है? इनकी उम्र 3.5 साल है। हूँ तुम कि घोड़े से कवर करवाना है? अरबी घोड़े से। आला लान से तो कवर करवाना है जी। आला लान से। ठीक है। ए साजिद भाई, मैं दसदा जावा दोस्तों, अरबी घोड़ी है, आला लान से तो कवर होना ही है। हूँ जनाब इनका असी ब्लड टेस्ट है जरा वो भेज रहे हैं लैबोरेटरी। तुम दिखा सकते हो सा जवान कमर है जरा ब्लड टेस्ट लैके जा रहा है। और इनका जनाब पहले टेस्ट होएगा, टेस्ट दो होंगे ने, वो टेस्ट क्लियर आएंगे उस तो बाद असी कवर करावांगे घोड़ा। नहीं बिलफर्ज, एक दोस्त सानू कॉल करता है मुल्तान तो कि भाई जान असी घोड़ी कवर करवानी है। जी जी। तो उन्हें की तैयारी करके आनी चाहिए कि तुम उन्हें कहो कि फौरन आ जाओ ताकि दो दिन के विच भाई टेस्ट ने जोड़े क्लीयर हो जान तो फौरन कवरिंग हो जाए। ऐ जनाब, तैयारी ये करके आनी चाहिए दोस्तों भी जरा ब्लड टेस्ट हूँ भेजा है ना, यह तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे च रिपोर्ट आ जाएगी। घोड़ी अंदरों बाहरों किसी बीमारी तो भी हर चीज़ इन ब्लड टेस्ट के पता चल जाता है क्लीयर है। उस तो बाद असी घोड़ा कवर कराने हैं क्योंकि साढ़े को घोड़ियाँ आनी पूरे पाकिस्तान चो, और असी कोई ऐसी घोड़ी बीमार ना कवर नहीं घोड़ा कराना चाहते भी असी बीमार ना कवर करा के तो बाद दोस्तों बीमारी वंडते रहिए या घोड़े बीमारी लग जाए। तो असी इस चीज़ ना इतफाक नहीं करते, असी पहले उनके टेस्ट कराने घोड़ी क्लीयर होंगी तो उस तो बाद असी करा सकते हैं। तुसी टेस्टां दे नाम दस सकते हो कि टेस्ट करवाते हो ताकि दोस्त अगर आन तो पहले ही एहतियाती तौर पर जो टेस्ट ने करवाई आ। टेस्ट ना इतफाक ही नहीं करते, असी अपने सामने टेस्ट कराने, असं उस इतफाक करने। कोई भी दोस्त सू कहता भी मैं जी टेस्ट करवा के आ जाना, असं मेरा इतफाक। यानी कि अगर दोस्त इतने भी आए तो जो टेस्ट होने ने ने अपने खाते चो आपे करवाने ने। जी तो वह करे जो भी लैब का होगा और क्लीयर, यानी कि टेस्ट असं अपने सामने। वो जी लैब है वो टीएम फार्म की तो नहीं ना? नहीं टीएम फार्म की नहीं, जीनत लैब से। ठीक है, जीनत लैब से हूँ अज उन्होंने मुंडा नहीं आया, नहीं तो आके खुद लै जाते हैं ब्लड। और ये साड़ा लड़का सी। यानी कि तुम मयार दे रहे हो, गल करना मकसद है कि जीनत लैब तो तुम टेस्ट भिजवाते हो, अगर रिक्वायरमेंट पूरी होंगे ने तो तुम घोड़ी कवर करवाते हो, वरना उनका ट्रीटमेंट करवा के। वरना नहीं करवाते। वरना नहीं। हाँ जी, पहले तो असी घोड़ी जिस टाइम जनाब टीएम फार्म से आँदी इन्हें घोड़ी जिस टाइम गड्डी से उतरती उदो असी फिजिकल देखने घोड़ी की कंडीशन की है। ठीक है, बीमार तो नहीं, कोई मसला मसाल तो नहीं किस तरह का, कंडीशन घोड़ी की दस दी फिजिकल सू देख। अच्छा, माशाल्लाह जो टीएम मसला होंगे तो असं उन्होंने फार्म के इंटर ही नहीं हो देंगे, असं रिक्वेस्ट कर लें वापस भिजवा। नहीं की साइन होंगे ने, की निशानियां होंगे ने जिंदे मतलब फील जानवर का तो पता चल जाता है, खासकर इन जी बीमारी ग्रैंडर बड़ी मुजी बीमारी है, वो बड़ी फैलती है घोड़ों च भी और इंसानों च भी, खासकर असी वो देखने कनार ग्रैंडर वो नहीं होनी चाहिए। जो हम टेस्ट भिजवाया ये भी कनार ग्रैंडर का है, और उस तो अलावा इन जनाब पेड़ के यूट्रस के कोई भी किसी तरह इंसान वो क्लीयर सामने आ जाए। यानी कि टेस्ट जिमें क्लीयर हो जाते उस किन्ने घंटे बाद तुसी कवरिंग करवाते हो? टेस्ट की जिस तरह सानू रिपोर्ट सानू लैब वाले ना जो रिपोर्ट बिल्कुल एंड के करीब होंगी उदो सू कॉल करके दस दें क्लीयर रिपोर्ट पेपर कढ़न तो पहले, क्योंकि असं उन्होंने दस्या हो इस चीज़ की इतलाह है साड़ी तरफों भी जो दोस्त साढ़े को आता साढ़े वास्ते चंद घंटे ने कि बड़े जरूरी होंगे। क्लीयर की रिपोर्ट सू कॉल आती है, असी घोड़ी कवर करा दें, फिर एक दिन के वक्फे तो बाद
अगले दिन फिर कवर करा दें। इंपोर्टर घोड़िया का साडा तरीकाकार है और 6 महीनों की साड़ी गरंटी होंगी। 6 महीनों के घोड़ी असी 2 मौके होर दें। मिसाल के तौर पर पहली दफ़ा नहीं ठहरी, असी दूसरी दफ़ा फिर 2 जंप करावे। दूसरी दफ़ा भी नहीं ठहरी तो तीसरी दफ़ा असी फिर 2 जंप करावे। 6 महीनों की असी खुली ऑफर है साड़ी तरफों। इंपोर्टड घोड़े कि घोड़ी क्रॉस हुए उनके असी जिम्मेदार होंगे बंद होने इस चीज़ के भी असी दोबारा उन्होंने कवर कराने। यानी कि पहली टेस्ट है कि 25 दिनों तो 30 दिनों दरम्यान अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो जाता, उन्हें क्लीयर पता चल जाता है घोड़ी ठहर गई। टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। यानी कि पहली दफ़ा तुम 1 जंप करवाते हो? 2 जंप करवाने पहली दफ़ा। 2 जंप करवा दो फिर मजीद चांस देने। 6 महीने का लॉन्ग टाइम असी गरंटी का देने। यानी कि दोस्त आए ने कल पहुंचे ने अज पहुंचे ने अज पहुंचे ने अज इन्हां टेस्ट चले गए ने। 8 घंटे बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। उस बाद फिर अगर रिपोर्ट क्लीयर आंदी है तो इनकी कवरिंग हो जाएगी जी। बिल्कुल। फिर कितने घंटे इतने फार्म ते स्टे करेंगे? तो जनाब कवरिंग अज हो जाएगी ना, कल रेस्ट देंगे, परसों फिर कवरिंग करावांगे। उस तो बाद दोस्तों वापस असीं भिजवा देंगे। ठीक है, 6 महीने की गरंटी होगी साड़ी। 6 महीनों के घोड़ी नहीं ठहरती तो असं 2 दफ़ा मजीद इवें कवरिंग देंगे। वैसे TM फार्म ही जोड़ा रिकवरी करवा इस तरह के बार बार जंप करवा जी, वरना असं बड़े फार्म विजिट किए हैं जी। उत्थे यही होंगे कि 1 दफ़ा जंप हो गया ये टोडे मुकद्दर ने अगे नहीं। वो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। मुख्तलिफ इलाकों जिम्मे मुख्तलिफ दोस्त मेरे ना शेयर करते रहते हैं, पर यह साढ़े बॉस की एक मुहब्बत है, उन्होंने प्यार है और साढ़े भी छोटी मोटी नाल मेहनत है। और असी दोस्तों शौक करवा रहे हैं, दोस्तों फैसिलिटी दे रहे हैं। असी शौक तो हट के कोई यानी कि पैसा कमाना मकसद नहीं, दोस्तों मकसद है ही नहीं। हाँ, मकसद है ही नहीं। साड़ा मकसद है दोस्तों शौक करवाना और दोस्तों जेड़े आन इतने फार्म विजिट कराना और दोस्तों को दुआवा मिलती हैं। ठीक है, साड़ा असल मेन मकसद है और साड़ा कोई मकसद नहीं। चूंकि ये अरबी घोड़ी कवरिंग लिए आई है तो जेडे अपने को इतने बेस्ट ब्रीडर ने उन्होंने बारे थोड़ा जि दस देवो ताकि होर भी जोड़े दोस्त ने अरबी घोड़े रखने का शौक रखते हैं वो आपका शौक पूरा कर सकें जी। मैं दस दिना जी, बेस्ट ब्रीडर साढ़े को इंपोर्टेड है, कहने अल अलांसो है अरबी घोड़ा है। इनका हिस्ट्री पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान पहला घोड़ा है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला डेनमार्क। इनका बाप चैंपियन है, इनका दादा चैंपियन है, इनका परदादा चैंपियन है। उस तो अलावा मैजिक घोड़ा है, उनकी बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, वह भी अरेबियन है। उस तो अलावा जनाब साढ़े को सवेरू घोड़ा है, फ्रीजियन ब्रीड है। उस तो अलावा अंडोलूजियन घोड़ा है, टीको ओवर टीको। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, वो तो दूसरा है ना सर, बड़ा शौक कर रहा है। अच्छा, मैं जनाब नु स्टैलियन सारे दसना चाह रहा। ठीक है। इस तो अलावा जनाब साढ़े को वदाद घोड़ा है, अपना एस्टले वदाद नहीं दूसरा नडाल घोड़ा है, वो डच वाम ब्रीड का। उस तो बाद अल अलांसो का बच्चा है शेरू, बड़ा प्यारा पाकिस्तान का साड़ा इतने पैदा होया है। उस तो अलावा साढ़े को जनाब बादल घोड़ा है। ठीक है, वह भी अंडोलूजियन ब्रीड का, वह भी पाकिस्तान पैदा होया। वह भी मैं जनाब टोडे को चम्मच नाल खाना जा रहा सी ते तुसी वड्डे वड्डे दोंगे भरन लग पै जे मेरे वास्ते। मैं दोस्तों नूं सिर्फ अरबी ते रखना चाह रहा सी ते माशाल्लाह तुहाडी मुहब्बत है कि तुसी तुहाडे कोल एक सवाल पूछिए ते तुसी 5 सवालों का जिहड़ा जवाब है वो एक सवाल दे विच कवर करन दी कोशिश करदे हो। मैं दोस्तां दी इह वी खिदमत है, कुछ दोस्तां दी मेरी फरमाइश मैनूं हुंदी है कि मैं चाहना भी जदों वीडियो रिकॉर्ड होए तो मैं वो फरमाइश पूरी कर लवां। ये जनाब दी नहीं, होर दोस्तां दी फरमाइश है। स्टैलियन सानूं दस्सो। इस तों इलावा जनाब साडे कोल स्टैलियन देसी दे विच बराला वाले ब्लड लाइन का सुल्तान है, साढ़े को पाकिस्तान का चैंपियन गुले सियाल घोड़ा भाई जान। अगली वीडियो च बाकी गल्ला अगली वीडियो च। साडा नुकरा बहुत आला किस्म दा ते नंबर मेरा सारे दोस्तों। चल दोस्तों वीडियो लंबी हो ही लैन दियो, आज इन्हां नूं दस इन्हां नूं बोल लैन दियो, बोलो मजीद। मैं नंबर भी बोल देना 0301-4482-191 रियाज बट्टू मेरा नाम है और ये मेरा नंबर है। कोई भी दोस्त रबता करना चाहे 0301-4482-191। तो दोस्तों सामने जोड़े देसी जिन्हें भी घोड़े ने खड़े हुए ने इन्हों का तो एक करके जोड़ा शौक है
वो भी करवावांगे। क्योंकि एक घोड़ी कवरिंग वास्ते आई सी ते दोस्तां दे जिहड़े रिव्यूज़ ने वो तुहाडे नाल लाजमी शेयर करांगे, क्योंकि कल तक एक घोड़ी जिहड़ी कवर हो जाएगी ते दोस्तां दा जिहड़ा बाकी तारफ है वो भी तुहाडे नाल शेयर करांगे। क्योंकि हाले इन्हां नूं थोड़ी देर आई है, आया नूं सिर्फ जिहड़े टेस्ट गए ने लैब दे अंदर ते बाकी इन्हां नाल वाकफियत कढ़ने आ और फिर आप दसणगे साडे रवैये दे मुताबिक। उस तो हट के जड़ा इन्हों फार्म दिखावे उनके रिव्यूज इन्हों को लवेंगे। ये दोस्तों मिलने अगली वीडियो से, उदों तई अल्लाह हाफिज़।